यूपी के सीतापुर में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे एक निजी स्कूल की दीवार ढहने से जहां एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। महौली तहसील क्षेत्र के गांव रोहिला में गौरी शंकर जनता माध्यमिक विद्यालय वेदनाथ अवस्थी द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रतिदिन की तरह मंगलवार को छात्र विद्यालय पढ़ने आए थे। बताया जाता है कि हल्की बूंदाबांदी के बीच विद्यालय की एक दीवार पर टीन सेट पड़ा हुआ था। इसी के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक दीवार के ढहने से टीन के नीचे कक्षा एक के आधे से अधिक बच्चे दब गए, जिसमें अंकित, नैन्सी, नितिन, शिवम, सोमवती, सिद्धार्थ, देवेंद्र, साक्षी समेत गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन सभी बच्चों को लेकर मोहाली सीएससी लाए। यहां पर नितिन की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों की माने तो जिला अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही नितिन ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं शेष बच्चों का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मोहाली जी गए थे काम करने के लिए, बच्चा यहां से गया स्कूल तो हुआ, थोड़ी देर बाद दीवार लुढ़क गई हुआ, तो बाद को जो यहाँ से गए तो बच्चा दबा पड़ा हुआ था, मान मिट्टी मसाला साला लगा हुआ था, लिंटर उसके ऊपर था दीवार का। तो बाद ये मोहाली लेकर गए चंद्रशेखर, यहाँ के दिखाया, वहाँ से जवाब दे दिया, फिर लखनऊ ले गए। लखनऊ में सुबह 8 बजे पढ़ने गया था स्कूल को, ये गौरी शंकर बाल विद्या मंदिर यहीं पड़ता है पास ही में रोहिला गांव में। 8 बजे गया, उसके 10-11 बजे का समय होता जब उस दीवार वहां फटी, तो वहां सब चिल्लाने लगे कि दीवार फट गई है स्कूल की। तब मैं वहां दौड़ते हुए, सब लोग गए तो हम भी गया, तो देखा कि हमारा बच्चा खाली नीचे दबा हुआ पड़ा था। हमने खुद अपने हाथों से निकाला अपने बच्चे को। उसके बाद हमने तुरंत उसको मोहाली लेकर गए, मोहाली दिखाया तो मोहाली में सीतापुर के लिए रेफर कर दिया। कहते साहब में फोन आता है, हमारे समझ में नहीं आता, हम सीतापुर लेकर जा रहे थे कि अस्पताल में पहुंच ही गए थे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या आप विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए सर। क्या कोई थाने में तहरीर वगैरह दी है आपने? थाने में नहीं दी है मैंने अभी। तो क्या थाने में कोई तहरीर देंगे? थाने में तहरीर सूचना हो चुकी है सर।